अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है समझा रमजान एक नवरी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरे एक वेबसाइट के हवाले से है मेरी। उसका मैंने वेबसाइट का नेम जो है चेंज कर दिया। दूसरा मेरे फेसबुक पेज के हवाले से है। वो दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की आईडी ओपन करता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मेरा जो पहले वाला फेसबुक पेज था वो हैक हो चुका था, एजुकेशनल ग्लोब के नाम से था। ठीक है, तो उस पे हैकर जो था वो कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ जो है वो शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से मैं खुद भी परेशान था और मैंने रिपोर्ट्स वगैरह भी की थी। और काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी जो है पेज को रिपोर्ट किया था। मैंने FIA में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कर दी थी। तो अभी आज यानी कि कुछ दिनों 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 में जो है वो मेरा पेज, यानी कि जो पहले वाला पेज था जो हैक हो चुका था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिलीट हो चुका है। तो उसके बाद मैंने दूसरा पेज बनाया था जो मैं खुद कंट्रोल कर रहा था, एजुकेशन ग्लोब अपडेट्स के नाम से। तो उसका मैंने अभी पेज का नेम जो है चेंज करके एजुकेशन ग्लोब रख दिया है। अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे एजुकेशन ग्लोब तो सिर्फ मेरा ही पेज आएगा। पहले जो दूसरा पेज था मेरा जो हैक हो चुका था वो भी आ रहा था, लेकिन सिर्फ अभी जो है वो सिर्फ मेरा ही पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल इसकी जो DP है, ये जो पिक्चर है वो येलो बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन बाद में मैं चेंज कर दूंगा। इसका जो मेरा चैनल का लोगो है वही मैं लगा लूंगा। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए इसकी जो है वो चेंज लगाया था लोगो, ताकि पता चल सके लोगों को कि भाई ये पेज जो है मेरा है और दूसरा जो पहले वाला था वो मेरा नहीं है। तो अभी देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया था। पहले एजुकेशनल ग्लोब अपडेट था, लेकिन अभी हम मैंने जो है वो इसको अपना जो पहले वाला मेरा पेज था वही नाम दे दिया है, क्योंकि वो पेज अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीट हो चुका है। तो अभी फेसबुक पे सिर्फ ये मेरा ही पेज है एजुकेशनल ग्लोब के नाम से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला पेज है, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8000 जो है वो लाइक्स हो चुके हैं और 8000 प्लस जो है वो फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अभी ये आगे भी ग्रो करेगा। और मैं अभी जो है वो इसको खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। पहले वाला पेज हैक हो चुका था। अभी मैंने अपनी वेबसाइट का नेम भी चेंज कर दिया, आपको सामने ये दिख रहा होगा। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट का नेम है www.educational-globe.com। ठीक है, मेरी वेबसाइट जो है वो कुछ दिनों से ओपन नहीं हो रही थी, तो उस पर जो है मैं काम कर रहा था, क्योंकि वेबसाइट जो थी वो मेरे नाम से थी। तो मुझे लगा कि ये वेबसाइट जो है मेरे चैनल के नाम से बनानी चाहिए, और www.educational-globe.com। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें बीच में डैश आएगा, क्योंकि educational-globe.com तो ये एक और वेबसाइट है। ठीक है, मेरी जो वेबसाइट है educational-globe के नाम से है। तो आप ये लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो जो मेरी पहले वाली वेबसाइट थी बिल्कुल वही डेटा, वही चीज़ें सेम टू सेम इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो PhD और JST में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको जो है वो बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है क्लास में, उनके पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सिंधी या फिर उर्दू में पढ़ाया जाता है, तो उनको इंग्लिश में बुक्स चाहिए होती हैं तो वो अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वो सारे बुक्स वगैरह जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक पोर्ट पर मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ई बुक्स में जाएंगे, साइंस के बुक्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं, कंप्यूटर के हैं, सोशल स्टडीज़ के हैं, सिंधी के हैं, ये तमाम बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और साइंस के बुक में 9th की जो है बायोलॉजी का बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, 9th क्लास की बायोलॉजी का बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद 8th 7th सारी बुक्स जो है इसमें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश के, साइंस के, सिंधी के, PhD JST के हवाले से गाइड्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं, और सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर हैं जो कामन यूज सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी हैं। ठीक है, तो तमाम तर चीज़ें जो आपके काम की हैं वो सारी यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह जो अभी क्या कहते हैं कि जो रिज़ल्ट वगैरह आते हैं, यानी कि जो लिस्ट वगैरह लगती हैं, तो वो जो लिस्ट मेरे पास पहुँचेगी PDF में, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं बेसिकली दादू सिटी का हूँ, तो वो दादू की मुझे लिस्ट जो है वो मिलती रहती हैं, तो वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। और दूसरी भी कोई भी अगर मुझे PDF में कोई फाइल मिलती है PhD और JST के हवाले से, यानी कि कोई सेकंड फेज की जो है लिस्ट मिलती है, जो भी मुझे रिसीव होगी, तो मैं यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकें। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि सर आप हमें ये जो है वो PDF प्रोवाइड करें। तो काफ़ी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं होती, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं अपनी वेबसाइट पर डाल देता हूँ, ताकि कैंडिडेट को आसानी हो, आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकें, क्योंकि कभी कभी मैं बिज़ी भी होता हूँ, उनको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरी वेबसाइट विजिट करके और वहाँ से जो भी आपको चीज़ चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ ये दो चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। एक
मैंने अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो चेंज कर दिया है www.educationaldeshglobe.com के नाम से, ठीक है। और दूसरी ये गुड न्यूज़ है, स्पेशली मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि पहले जो एजुकेशनल ग्लोब पेज जो मेरा हैक हो चुका था वो अभी बंद हो चुका है। अभी मैंने अपने जो पहले मेरे पेज का नाम था एजुकेशनल ग्लोब अपडेट, जो मैंने बाद में बनाया था, पहले वाला पेज हैक कुछ हो चुका था, तो उसका अभी मैंने नाम चेंज कर दिया एजुकेशन ग्लोब अपडेट से एजुकेशनल ग्लोब कर दिया है, ठीक है, जो मेरे पहले वाला पेज था, ठीक है। तो अभी सिर्फ फेसबुक पे ये मेरा ही पेज है एजुकेशनल ग्लोब के नाम से और किसी का नहीं है। और मेरे पेज के जो वॉलपेपर है पीछे, ये वाला लगा हुआ है, मेरी खुद की पिक लगी हुई है, और ये वाला वॉलपेपर है ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो है वो लोगो ये वाला लगा हुआ है अभी येलो बैकग्राउंड में, लेकिन इसको मैं कुछ ही दिनों में चेंज कर दूंगा। फिलहाल जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट को यही पता है कि भाई ये वाला मेरा ही है, तो अभी इसको मैं कुछ दिनों में ये येलो बैकग्राउंड वाला चेंज करके जो मेरे ओरिजिनल जो लोगो है ये वाला, तो ये वाला लगा दूंगा, ठीक है। ये देखें वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, तो ये वाला लगा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।